आईपीएल 2020 के 31वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया। पंजाब लगातार 5 हार के बाद मैच जीती है। टीम 8 में से 2 मैच जीतकर अब भी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। पंजाब ने दोनों मैच आरसीबी के खिलाफ ही जीते हैं। पिछले मुकाबले में पंजाब ने बेंगलुरु को 97 रन से हराया था। यह इस सीजन में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। सीजन का पहला मैच खेल रहे क्रिस गेल ने 45 बॉल पर 53 बनाए। उन्होंने 5 छक्के और 1 चौका जड़ा। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए शारजाह में सीजन का सबसे छोटा 172 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में पंजाब ने 2 विकेट गंवाकर 170 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। इससे पहले शारजाह में सीजन के 23वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 185 रन का टारगेट दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत शानदार रही। टीम के लिए कप्तान लोकेश राहुल ने 61, क्रिस गेल ने 53 और मयंक अग्रवाल ने 45 रन की पारी खेली। गेल का सीजन में यह पहला मैच रहा। अकेला विकेट बेंगलुरु के स्पिनर यदुवंत चहल को मिला। उन्होंने मयंक को बोल्ड किया। चहल ने T20 में मयंक को चौथी बार पवेलियन भेजा। मयंक और राहुल के बीच 48 बॉल पर 78 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी।